सिंगरौली क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद रेत खनन व परिवहन लगातार सामने आ रहा है। आए दिन आ रही शिकायतों पर जियावन पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की हरकत में आने से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी अभिजीत रंजन के निर्देश पर जियावन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने महान नदी पर चल रहे अवैध रेत परिवहन पर छापामार कार्रवाई की। इस पर कुंदावर चौकी प्रभारी खेलन सिंह व अन्य टीम ने घेराबंदी कर मौके पर 4 ट्रक रेत सहित 32 लाख का माल जब्त कर कार्रवाई की है। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। इस संबंध में हमारे एसपी सर का श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे कि अवैध रेत परिवहन को कड़ाई से रोका जाना है। इसी अनुक्रम में कल रात में रेत परिवहन की सूचना मिली मुखबिर के माध्यम से, तो मैं और एक टीम और हम लोगों ने ट्रैक्टर रेत लोड करते हुए पाए गए, जिन्हें मैं ट्रैक्टर ट्राली बालू के साथ जब्त करके थाना परिसर में लाया गया और सुरक्षा खड़ा किया गया। धारा 53 गौड़ खनिज अधिनियम के अंतर्गत जब्ती की गई है और कल वे दस्तावेजों के साथ में खनिज विभाग में सिंगरौली के प्रभारी के पास भेज दिया जाएगा, जो अग्रिम कार्रवाई वहाँ से